कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ वहाँ जाते हैं। कैंडिडेट किस तरह का है? वो एजुकेटेड है, क्षेत्र का विकास करने वाला, पार्टी से तो किसी भी दल का हो। और नेता तो हम ऐसे ही चुनना चाहेंगे जो भेदभाव ना करे। इस वक्त मौजूद है झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हजारों यात्रियों का रोज आना जाना होता है, झांसी के लोग भी यहाँ से काफी यात्रा करते हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि जनता का कहना क्या है, जनता क्या चाहती है, किन किन मुद्दों पर वोट करेगी। इस चीज को देखते हुए हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे, वो उनसे कि आखिर लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें आप किसको वोट करेंगे? हम मोदी जी को देंगे। मोदी जी को? आखिर मोदी जी को क्यों? क्यों मोदी जी ने हमारा वोट करेंगे? हम ऑटो चलाते हैं, गरीब आदमी है, हम बहुत गरीब घर से हैं, उन्हें मकान दिया रहने के लिए, सब कुछ दिया है, वो अच्छा अच्छा बोलेंगे। उनकी सरकार होने से बहुत से फायदे हैं, आप खुद देख रहे हैं। जैसे क्या फायदा है? महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ वहाँ जाते हैं, जो भी पहले हमारा टैक्स लग जाता था इधर उधर परेशान करते थे, अब वो नहीं होता है। 112 नंबर लगाओ, हाल की हाल सुनवाई भी होती है, बस और क्या। एक्चुअली हम तो बॉम्बे से है। क्या हुआ? हेलो, क्या नाम है? हमारा महमूद नाम। महमूद, हिंदुस्तान में समय लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं? नेता पार्टी का तो ऐसा है कि जो कैंडिडेट है वो एजेबल होना चाहिए, एजुकेटेड और समझदार, जो सही तरह से देश को चला सके, मतलब जो जो काम के लिए जो वादे करते हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से बताते हैं कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में कुछ होता नहीं है, वो जुमले टाइप रह जाते हैं, फिर तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए। इस समय इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको कौन सा दल पसंद है, ऐसा किसको आप वोट करना चाहेंगे? हमने बोला ना, कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट किस तरह का है, वो एजुकेटेड है, क्षेत्र का विकास करने वाला, पार्टी से तो मतलब किसी भी दल का हो। हाँ, क्या नाम है आपका? कौशर मंसूर। कौशर जी, इस समय हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, देश की जनता को क्या लाभ मिलना चाहिए, किस तरीके से चुनाव देखा जाए? बेरोजगारी के ऊपर है मेन तो फोकस, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, और एजुकेशन मस्ट है, वो बच्चों के लिए मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए, जो इतना एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, तो बच्चे मतलब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकें, और मतलब क्षेत्र का भी विकास हो, देश का भी विकास हो। मेन तो बेरोजगारी के ऊपर ही है, मतलब मेन मुद्दा बेरोजगारी है समय। हाँ, मतलब बेरोजगारी दूर होना चाहिए ना, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख के भी बच्चे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम एक ऐसी मेमो ट्रेन में जो झांसी से ललितपुर जाती है। सबसे बड़ी बात ये झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ही इसमें सफर करती है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस समय चुनाव का माहौल क्या है, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसको वोट करेंगे, किस मुद्दों को वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? अवधेश। अवधेश जी, ये 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, आप किस पार्टी को पसंद करेंगे, किसको वोट देना चाहेंगे? पार्टी तो भारत में लोकतंत्र में गणराज्य है, मतलब भारत सरकार है, तो पार्टी के हित में नहीं, हम सिर्फ अपने लोकसभा जो विधान लोकसभा सीट से आते हैं, तो हमारे जो सांसद हैं, हमने आते अपने सांसद को अपने क्षेत्र में आते हुए नहीं देखा है। टिकट मिल जाता है भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी दल से, और जीत कर सारे संसद में बैठ जाते हैं, और लोग जो जन सामान्य है उनसे कभी जनसंपर्क नहीं हो पाता है। ललितपुर में हम झांसी से रहते हैं, डीएसएल आराम पर रहते हैं। मतलब आज तक आपने अपने सांसद को देखा नहीं? नहीं, हमने अपने क्षेत्र में, मतलब आपके क्षेत्र में नहीं देखा। आपके क्षेत्र की समस्या क्या है? समस्या वही सड़कें टूटी पड़ी हुई है, रेलवे की जो पुलिया मुलिया बनी है, तो मतलब पानी भर जाता है, लाइट की व्यवस्था भंग है, और मतलब अभी ओलावृष्टि हो चुकी है, तो इतना फसल का पूरा नुकसान हो चुका है, तो मतलब कोई मुआवजे की सुनवाई नहीं हुई। जी हाँ, किस तरीके का लक्ष्य? हम चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था को बिल्कुल सही चला सके, और बीजेपी पार्टी हमें बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसमें जो वो है योगी जी, उनके नया हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही देश में नेता हो जो अपने देश के अधिकार कर सके, प्रगति कर सके, अन्याय को भ्रष्टाचार को हटा सके। क्या नाम है? मेरा नाम परवीन है। और नेता तो हम ऐसे ही चुनना चाहेंगे जो भेदभाव ना करे, कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, कौन है, जो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए कभी, ऐसा नेता होने चाहिए।
कभी हम तो ये चाहते हैं नेता वही हो जो भेदभाव ना करे। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में भेदभाव चल रहा है? चल रहा है, बराबर चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, चल रहा है। तो ये थे झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, जिसने अपने पर विचार रखे। कोई मोदी जी को पसंद कर रहा है तो कोई इंडिया गठबंधन को पसंद कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, वही एक नौजवान ने आरोप लगा दिए हैं कि हमने आज तक अपने यहाँ के सांसद को नहीं देखा, जो केवल इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद नहीं आए, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, पिछली बार इलेक्शन जीते थे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इन आरोपों में कहाँ तक सत्यता है। कैमरा पर्सन असलम खान के साथ सुल्तान आबदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, झांसी।